हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विबू टीवी। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम आज ये वीडियो जो लेके आए हैं, ये बहुत ही क्विक वीडियो होगा क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम एक कैरेवान में स्टे करने वाले हैं। हम हॉलिडे पे आए हैं तो हमने यहाँ पे एयरबीएनबी से बुकिंग करी है कैरेवान की और हम यहाँ पे 4 नाइट स्टे करने वाले हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताते हैं, दिखाते हैं कि कैरेवान कैसा है और हम जो भी हमने जहाँ से बुकिंग करी, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देंगे। इन केस आपको बुक करना है या आप भी कैरेवान का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यू कैन चेक दिस आउट। ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कैरेवान में रहने का और देखने में तो बाहर से बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रहा है। लेट्स सी अंदर से कैसा होता है और देखते हैं। सो गाइज, बेसिकली ये जो कैरेवान्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मूवेबल, जो आप अपने कार के साथ अटैच करके उसको मूव कर सकते हो, और एक होते हैं ये कॉन्स्टेंट वाले। तो ये जो हमारा है ये एक हॉलीडे पार्क के अंदर है और इस हॉलीडे पार्क में मोर देन 100, आई डोंट नो द नंबर्स, बट बहुत सारे कैरेवान्स हैं और लोगों ने ये खुद खरीद भी रखे हैं और बस अपना वीकेंड के लिए वो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में चिल करने, टाइम स्पेंड करने आते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। और कुछ कुछ लोगों ने ऐसे रेंट आउट भी कर रखे हैं। तो चलो अब चल के दिखाते हैं कि हमारा ये कैरेवान कैसा है और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये कैरेवान कैसा लगा। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे कैरेवान में। तो ये एरिया है हमारा लिविंग रूम का। आप देख सकते हो हमारे पास काफी सारा लगेज है और हमने एक जगह अभी रख दिया है, हम इसको अभी सेटल आउट करेंगे। बट फिर भी इतना सामान रखने के बाद भी जो सिटिंग एरिया है काफी अच्छा है, 4 से 5 लोग अभी भी बैठ सकते हैं। एंड देन मेरे लेफ्ट साइड में एक टीवी यूनिट भी है, उसके अंदर भी एक शेल्फ बने हुए हैं आराम से अच्छा खासा सामान रखने के लिए। तो जगह तो स्पेशियस है लिविंग रूम में। एंड देन इस साइड में हमारा डाइनिंग एरिया, राउंड टेबल है, कम से कम 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं और अगर छठा बंदा आए तो उसके लिए स्टूल भी दिया हुआ है, तो आराम से 5 से 6 लोग डाइनिंग के लिए बैठ सकते हैं। एंड देन उसी के राइट साइड में एक किचन है, छोटी सी कॉम्पैक्ट है, थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती है अगर ज्यादा लोग आ जाए, बट एक या दो बंदे आराम से काम कर सकते हैं, कुकिंग कर सकता है, एक क्लीनिंग कर सकता है, तो दो लोगों के लिए आराम से किचन में काम करने की जगह है। उसके साथ हमें माइक्रोवेव दिया हुआ है, नीचे अवन भी दिया हुआ है, डबल अवन एक्चुअली, एक हमारे पास एक छोटा अवन ये है और इसके नीचे एक और छोटा अवन, तो बेसिकली 2 अवन हमें दिए हुए हैं इसके कैरेवान में। ये राइस कुकर हमारा है, उन्होंने नहीं दिया है, बट टोस्टर उन्हीं का है। टोस्टर उन्हीं का। एंड देन हमें एक छोटा सा एक फ्रिज भी दिया, काफी कॉम्पैक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इट इज सफिशिएंट फॉर 2 to 3 days एक्चुअली। आप सामान लाओ, 2-3 दिन का सामान आराम से भर सकते हैं। एंड देन इसमें भी काफी सारे शेल्फ हैं, तो कुछ यूटेंसिल्स उन्होंने दी थी, कुछ हम अपने साथ में लेके आए डिस्पोजेबल, बिकॉज वी डोंट नो कितना मिलेगा और कितने यूटेंसिल्स हम गंदे करेंगे, उसके हिसाब से हम डिस्पोजेबल यूटेंसिल साथ में लेके आए थे। एंड देन आप इधर आओ तो मेरे राइट साइड में एक वॉशरूम है, छोटा सा कॉम्पैक्ट। एंड देन मेरे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा, थोड़ा बड़ा बेडरूम है और एक छोटा, एक डबल बेडरूम है, दोनों डबल बेड है। अंदर एरिया घूमने का कम है बट काफी कम्फी है, दो लोगों के लिए सफिशिएंट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। अभी ये है हमारा वॉशरूम और ये हूँ मैं। हमारे लेफ्ट साइड में स्टैंडिंग शावर है ये, जो कि अब दो, एक बंदे के लिए आराम से खड़ा हो सकता है, और राइट साइड में कमोड है, तो टॉयलेट इज क्वाइट सफिशिएंट एक बंदे के लिए। तो हमारे पास 2 बेडरूम है, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है, बट दो लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो ये देख सकते हो एक बेड है यहाँ पे, एरिया वॉकिंग एरिया कम है, बट एक वार्डरोब भी दी हुई है और बेड के ऊपर एक कैबिनेट भी दिए हुए हैं सामान रखने के लिए, तो क्वाइट अच्छा है स्पेस, ठीक है स्पेस इसमें। बड़े वाले बेडरूम में भी ऑलमोस्ट सेम ही है साइज, थोड़ा सा वॉकिंग एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, बट दो लोगों के लिए सफिशियंट है। तो कैरेवान हमारा ये है। तो ये है हमारी सेकेंड एग्जिट, इससे निकल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बालकनी बोल दो, वरांडा बोल दो, जो भी है, काफी अच्छा है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है अभी और यहाँ बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और आएगा। एंड देन आसपास देखो कितनी ग्रीनरी है और सारे कैरेवान ऐसे ही हैं, सबके सब हॉलीडे होम्स भी हैं, कुछ लोग उनके खुद के भी हैं, बहुत ही अच्छा है।
सो गाइज, ये था हमारा कैरेवन जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। हमने ये जो बुकिंग करी थी, जैसे कि हमने बताया, हमने एयरबीएनबी के थ्रू करी थी, हमने लास्ट मोमेंट बुकिंग करी थी, तो हमें ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। बट यूजुअली अगर आप कंपेयर करो होटल्स या दूसरे एयरबीएनबी से, तो ये आपको थोड़ा चीपर पड़ता है। एक ये प्लस दूसरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप एक छोटे से डब्बे में, आप देख सकते हो कि लिटरली एक छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर उन्होंने पूरा घर का आपको पूरा सेटअप कर रखा है। ये बहुत बेसिक सा है, बिकॉज मे बी वो एयरबीएनबी और ऐसे रेंट पे देते हैं, बट कुछ लोगों के यहाँ पे हम बाहर से देख रहे हैं, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली सजा रखे हैं क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो उसमें आके वीकेंड स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ में। तो इट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर अस। तो अब हम भी कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे और देखते हैं हमारा भी एक्सपीरियंस कैसा होता है। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे ये हॉलीडे पार्क का, इन केस अगर आप भी कभी वेल्स आओ तो डेफिनेटली आप भी ट्राई करना इफ यू कैन विजिट दिस। या इट विल बी डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग, मतलब ये एक दिन तो एटलीस्ट स्पेंड करो, एक वर्थ एक्सपीरियंस होगा इसका। तो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस, हमारे साथ जो भी यहाँ पे हो रहा है सब कुछ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते रहेंगे ताकि आप में से जो भी यहाँ आना चाह रहा है उनके लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग द स्टे, रिगार्डिंग कैरावान्स, या आप कुछ भी अगर विजिट करने यहाँ पे प्लान कर रहे हो तो। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।